चलिए दोस्तों, पतंजलि का ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डर जो ऐप है वो आ चुका है और जिसका नाम है ऑर्डर मी ऐप, जहां पर आप पतंजलि के सारे प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप उस ऐप पे जाकर रजिस्ट्रेशन करें। इसके अलावा मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर कैंसिल कैसे करना है, ऑर्डर रिटर्न कैसे करना है, कैशलेस यानी कि कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, इसमें कार्ड कैसे जोड़ना है, बैंकिंग डिटेल उस ऐप में कैसे जोड़ना है, इन सब के बारे में बात करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप उस ऐप में जाके रजिस्टर कैसे करेंगे, क्योंकि छोटा सा प्रोसेस है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो उस वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यहाँ पर हम आपको लाइव डेमो दिखाने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर में जाके और वहाँ से आप इसको ऑर्डर मी ऐप सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा मैं लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन से भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, इस तरह से जो साइड में स्क्रीन चल रही है उसमें आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर सर्च बार में ऑर्डर मी इस तरह से सर्च करेंगे तो ये पतंजलि का खुल के आ जाएगा। मैं इसको पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मेरे फ़ोन में ये पहले से है, ठीक है। तो चलिए फटाफट ऐप को खोल लेते हैं यहाँ पर। तो किधर गया हमारा एप्लीकेशन, देख लेते हैं कहीं हाइड हो गया है। और ये रहा, यहाँ पर ये हमारा मिल गया है। तो इसको खोल लेते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। तो इसके लिए आपके पास कुछ नहीं, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जिस पर OTP वगैरह आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐप जो है ना वो खुल चुका है और अभी ये डार्क मोड में है, तो थोड़ा आपको अलग टाइप का दिख सकता है। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर डार्क मोड जो है ना वो हटा दूँ यहाँ से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं कैसे रजिस्टर करना है। तो साइनअप जो है ना साइड में ट्रिपल बार है, उस पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं लॉगिन या फिर ऊपर साइनअप का जो लिखा हुआ आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आप मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए जिस पे OTP आएगा। और हाँ, यहाँ पर आपको एक स्वदेशी समृद्धि कार्ड अगर आप बना लेंगे तो आपको 5 से 10% की छूट मिल जाएगी, तो आप बना सकते हैं। और स्वदेशी समृद्धि कार्ड का जो एक रहता है रेफरल कोड, जो आपका फ़ोन नंबर रहेगा उसको अगर आप रेफ़र करेंगे किसी को तो आपको कुछ बेनिफिट होगा। तो मेरा भी आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या फिर ये मेरा फ़ोन नंबर है, इसको आप रेफरल कोड की तरह अपना डाल सकते हैं जहाँ पर, तो मुझे कुछ बेनिफिट हो जाएगा, तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया अपना मोबाइल नंबर और लॉगिन यूजिंग OTP करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये नहीं ले रहा है, तो हम जाएंगे नीचे साइनअप वाले में और साइनअप वाले में सबसे पहले नाम डालेंगे। इस तरह से, और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। और यहाँ पर साइनअप कर देंगे। तो देखते हैं अब ये क्या मांगेगा। यहाँ पर ओटीपी मांगेगा। तो OTP मेरे पास आ चुका है, तो OTP मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पर और इसमें वेरीफाई OTP कर देता हूँ। अब देखता हूँ यहाँ पर मेरा हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में, देखते हैं कुछ और एड्रेस वगैरह जोड़ लीजिए आप, और समृद्धि कार्ड आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो अगली वीडियो में बात करूंगा किस तरह से आप पतंजलि का स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनाएं, उसको कैसे अप्लाई करें आसानी से, कोई भी ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, तो वो वाला वीडियो भी आप जरूर देख लीजिए। दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।